आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हियर वी हैव अ क्वेश्चन। मूवीज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन रिलीज्ड ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। लोगान वॉज रिलीज्ड ऑन ट्यूजडे। नो मूवी रिलीज्ड बिटवीन लोगान एंड द वन विच इज 75 मिनट ड्यूरेशन। Only one movie is released between the one which is of 75 minute and the 100 with one which is of 100 minute duration. No movie released between the one which is of 100 minute and the Thor. Only one movie released after Thor. Thor released immediately after 100 minute duration movie. Movie Spider-Man released immediately after the one which is 130 minute duration. More than two movie released in between Spider-Man and Batman. The movie which is of 90 minute duration released before Transformer. One of movie was of 20 minute more duration than Transformer. Then how many movie were released after Transformer, right? For solving this type of puzzle, we will take one by one condition. हम एक-एक condition को check करेंगे and then फाइंड आउट करेंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर अपने डेज यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, सो दीज आर द फाइव डेज जहाँ पर आपकी मूवी रिलीज होती है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि ट्यूजडे में आपकी कौन सी मूवी रिलीज हुई है? लोगान। ओके, लोगान रिलीज्ड ऑन ट्यूजडे। उसके बाद में कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है आपकी लोगान और 75 मिनट की ड्यूरेशन के बीच में, राइट? तो आपकी 75 मिनट की मूवी कोई मंडे को भी हो सकती है, राइट? और कोई आपकी वेडनेसडे को भी हो सकती है। तो हम ये दोनों कंडीशन यहाँ पर मार्क कर लेते हैं एंड सिंपली वी आर टेकिंग अ लाइन so that we can separate these two condition. Okay, so now we check the second condition, that is in our question. Only one movie is released between the one which is of 75 minute and the 100 minute duration. Okay, एक movie है आपकी जो 75 और 100 minutes के बीच में release हुई है. Okay, तो basically अगर हम यहाँ देखते हैं कि आपकी 75 यहाँ पर था, ठीक है, और 75 पे हमने दूसरा केस यहाँ पर लिया था, राइट? तो दैट मींस कि 100 की भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, वन इज हेयर एंड वन इज हेयर। दैट मींस कि कोई एक मूवी है जो रिलीज हुई है 75 और 100 के बीच में, राइट? तो यहाँ पर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगेन यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई है उस एक सिंगल मूवी के लिए जो इन दो ड्यूरेशन के बीच में आपकी रिलीज हुई है, राइट? No movie released between the one which is of 100 minute and Thor. ठीक है, अब उसने बोला है कि कोई भी मूवी आपकी रिलीज नहीं हुई है 100 मिनट की मूवी और थॉर के बीच में। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ओनली वन मूवी रिलीज्ड आफ्टर थॉर। ठीक है, एक मूवी रिलीज हुई है थॉर के बाद, लेकिन हम इसी के साथ कंटिन्यूस में ये लाइन भी पढ़ लेते हैं। थॉर कब रिलीज हुई है? थॉर रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर 100 मिनट मूवी ड्यूरेशन। तो हम यहाँ से हमें पता चल गया कि थॉर आपकी कब रिलीज हुई होगी? ऑन थर्सडे, बिकॉज 100 मिनट की मूवी की कंडीशन उसने दी हुई है कि आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर 100 मिनट मूवी ड्यूरेशन। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे भी ये थॉर रिलीज हो गई। ठीक है, अब उसने क्या बोला, मूवी स्पाइडरमैन रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर द वन विच इज ऑफ 130 मिनट ड्यूरेशन। एक आपकी मूवी है स्पाइडरमैन जो कि आपकी रिलीज हुई है कब? 130 मिनट ड्यूरेशन के बाद, राइट? तो दैट मीन्स अगर हम ये कंसिडर कर लें दैट कि 130 मिनट की ड्यूरेशन आपकी यहाँ पर है, राइट? तो इसके बाद आपकी कौन सी मूवी रिलीज हो रही है? स्पाइडर। ओके, कंडीशन एक ये आ गई आपकी, आप मोर देन टू मूवीज रिलीज्ड इन बिटवीन स्पाइडरमैन एंड बैटमैन। स्पाइडरमैन और बैटमैन अभी हमने मेंशन नहीं करी है, तो फर्स्ट वी विल मेंशन द बैटमैन। सपोज दैट बैटमैन रिलीज ऑन मंडे। ओके, तो बैटमैन और स्पाइडर के बीच में आपकी दो से ज्यादा मूवी आ गई, एक मंडे को हो गई, एक ट्यूजडे, ये सॉरी
एक ट्यूसडे को हो गई, एक वेडनेसडे को हो गई, एक थर्सडे को हो गई. दैट मीन्स मोर देन टू मूवीज रिलीज्ड बिटवीन द स्पाइडर एंड बैट्समैन. ओके, सो द मूवी विच इज ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन रिलीज्ड बिफोर ट्रांसफॉर्मर. अब उसमें इसमें आपको एक और एक मूवी है आपकी जो 90 मिनट ड्यूरेशन की है, वो ट्रांसफॉर्मर से पहले रिलीज हुई है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर हमने यहाँ कंसीडर किया था 100 मिनट मूवी के लिए, राइट? तो हम अब यहाँ पर कितना है, 75 हमने कंसीडर किया है, 75 मिनट ड्यूरेशन की मूवी है. तो दैट मींस कि 90 मिनट की मूवी कहीं आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, राइट? तो आपने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है कि 90 मिनट की मूवी दैट इज लाइज ऑन द ट्यूजडे. तो आपकी यहाँ पर कौन सी मूवी रिलीज हो गई, ट्रांसफॉर्मर, राइट? क्योंकि उसने क्या बोला है कि द मूवी विच इज 90 मिनट ड्यूरेशन रिलीज्ड बिफोर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से पहले रिलीज हुई है 90 मिनट की मूवी, राइट? सो वन ऑफ मूवी वाज ऑफ 20 मिनट्स मोर ड्यूरेशन देन ट्रांसफॉर्मर. अब ट्रांसफॉर्मर मूवी की ड्यूरेशन अगर 100 है अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, तो बेसिकली द 20 मिनट्स यानी कि यहाँ पर जो आपकी थॉर होगी वो एक तरीके से यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दैट सॉरी दिस इज हाँ प्लस 130 प्लस 20 150, राइट? सो दिस विल बी 20. ओके, सो नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन सी ऑल द कंडीशन. सो व्हाट वी आर गेटिंग कि ट्रांसफॉर्मर के बाद आपकी कितनी मूवीज रिलीज हो रही हैं, द थॉर एंड द स्पाइडर, राइट? तो फॉर दिस क्वेश्चन द टू मूवीज आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.